आजचा आपला क्लास आहे, वर्ग आहे, हा स्पेशली कोरोना विषयावर आहे. कोरोनामुळे आज भारतच नाही तर संपूर्ण जग विस्कळीत झालेला आहे. सर्व त्रासले आहेत कोरोनामुळे, आणि कोरोनामुळे वेगवेगळ्या समस्या सर्व जनतेसमोर आलेल्या आहेत. अशा काळात कोरोना झाला नाही पाहिजे, यासाठी आपण काय उपाययोजना केला पाहिजे, यासाठी आपण काय आयुर्वेदामध्ये काय आपण काय केलं पाहिजे, किंवा नॅचरोपॅथी मध्ये जे निसर्गोपचार आहे त्यात काय केलं पाहिजे, त्या संदर्भात आज डॉक्टर भोंडे, डॉक्टर राजेशजी भोंडे हे आपल्याला गायडन्स करणार आहेत, मार्गदर्शन करणार आहेत. सर आपल्याकडे जुळलेले आहेत. सर वेलकम सर, तुम्ही आले, धन्यवाद सर. भोंडे सर, भोंडे सर, हा सर वेलकम. तर भोंडे सरांच्या मार्फत आज आपल्याला मार्गदर्शन मिळेल, ते क्लास पण म्हणजे प्रॅक्टिकली नॉलेज पण देणार आहे. प्रॅक्टिकली नॉलेज हे आपल्याला दाखवणार आहे की वेगवेगळ्या नॅचरोपॅथी मधल्या ज्या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत त्या कशा आपण हँडल करायचं. सर स्वागत आहे सर आपलं. स्वागत आहे सर आपलं. हा हा नमस्कार. हा नमस्कार. हो सर येतोय सर. नाही सर सुरुवात करून घ्या, बाकी लोक जुळतील. आता 25 लोक जुळलेले आहेत, संख्या वाढेल आपली, तुम्ही सुरू करू शकता. पुन्हा एकदा
प्रार्थना करून लेक्चरला मी सुरुवात करतो. इतकी मध्ये बोलतो, ओम विश्वानि देव सवितु भूतानि बलासुर यद्भद्रं तन्नासुर. ओम शांति शांति शांति. तो आज का हमारा विषय है कोरोना, प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ कोरोना. कोरोना को रोकने के लिए क्या करना चाहिए और इसे लेकर हम नेचुरोपैथी को और आयुर्वेद को देख रहे हैं. नेचुरोपैथी दृष्टिकोण से और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से क्या किया जा सकता है. अधिकतम जो नए लोग हैं जो अभी डीएमआईस कर रहे हैं या डीएमआईस हो चुके हैं, एक दो साल दे रहे हैं उनको, तो फिर उनके मन में एक सवाल आता है कि इस कोरोना के अगेंस्ट में क्या हम कुछ कर सकते हैं, क्या हम अपने उपायों से कोरोना से बच सकते हैं, या फिर कोरोना का इन्फेक्शन होने के बाद जो भी प्रोटोकॉल इंडियन गवर्नमेंट से किया जा रहा है उसे फॉलो करते करते क्या हम हमारे उपचार कर सकते हैं. तो इसके ऊपर आज हम सवाल और जवाब करेंगे, उसका जवाब देंगे. और सबसे पहली बात मैं नेचुरोपैथी के संबंध में करता हूँ. नेचुरोपैथी के जो सिद्धांत है उसमें एक सिद्धांत है कि रोग के कारण कीटाणु नहीं, रोग के जो कारण है वो कीटाणु नहीं, रोग का जो कारण है वो विजातीय तत्व है, शरीर में संचित मल है. तो रोग का प्राइमरी कॉज जो है, प्राथमिक जो कारण है वो विजातीय तत्व है. हमारे शरीर में जो सप्त धातु है, त्रिदोष है और त्रिमल है, उसके लेवल पर का असंतुलन यानी रोग है. अगर हमारे शरीर में अगर रोग है तो फिर हमें इन्फेक्शन के ज्यादा चांसेस. अगर हमारा शरीर शुद्ध है, अगर शरीर को हम शुद्ध कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक से बैलेंस डाइट ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम रहे. और मान लो इन्फेक्शन हो भी जाता है कोरोना का, तो हम उसे बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं इन्हीं उपायों से, आयुर्वेद के उपायों से, नेचुरोपैथी के उपायों से, योग से संबंधित कुछ उपाय है, उन उपायों से हम कोरोना को ठीक कर सकते हैं. भले आप उसके साथ में एंटीबायोटिक है, एंटीपायरेटिक है, या फिर और कोई एलोपैथी जो ट्रीटमेंट दी जाती है उसमें सप्लीमेंटेशन में कैल्शियम और विटामिन सी की टैबलेट भी दी जाती है, वो भी आप ले सकते हैं. इसके साथ साथ अगर आप आयुर्वेद से संबंधित उपचार और नेचुरोपैथी योग से संबंधित उपचार अगर करते हैं तो ये अच्छी बात होती है खुद को बचाने के लिए. और खासकर मैं देख रहा हूं कि जो लोग मात्र एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं वो उनमें से बहुत से लोग जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, फिर उन्हें ऑक्सीजन लग रहा है, वेंटिलेशन लग रहा है, उन्हें बहुत सारी हॉस्पिटल की जो सुख सुविधाएं है उसकी आवश्यकता पड़ रही है. हमारा प्रयास रहेगा कि हम ये अगर हमें सुविधा मिलती है या नहीं मिलती है तो भी कोरोना से पहले तो होना चाहिए. और कोरोना का इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो उससे कैसे हम निजात पा सके, उससे कैसे हम छूट सके, वो उपाय भी हम अगर पहले ही जानते हैं तो कोरोना होने के बाद में ठीक होने में बड़ी दिक्कतें नहीं आएंगी. से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोरोना के ऊपर एक गूगल मीट अरेंज करूं. पाटिल सर ने मुझे कल ही कॉल किया, सर ने बोला कि सर हर सप्ताह मुझे कॉल करते हैं, पिछले सप्ताह मैं आपसे माफी चाहूंगा कि मैं बाहर रहा हूँ, इसलिए मीटिंग आपको दे नहीं पाया. लेकिन इस सप्ताह सर ने पूछा और तुरंत मेरे ध्यान में आया कि मैं कोरोना के ऊपर बोलना चाहता हूँ. ठीक है, व्हाट्सएप है, उसके बाद में अलग अलग मीडिया है, टीवी है, इसके माध्यम से बहुत सारे उपाय हमें बताए जाते हैं. उसमें से कुछ 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 उपाय जो है वो बहुत अच्छे भी होते हैं, साइंटिफिक भी होते हैं, अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी, अकॉर्डिंग टू योग और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद. लेकिन अगर
उसका जो कॉज है कि ये हम कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में अगर हम जान ले तो फिर जो करना है उसे करते वक्त हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारा जो आत्मविश्वास का स्तर है वो अच्छा रहेगा। हम खुद भी करेंगे और दूसरों को भी इस बात को बताएंगे कि आप भी करिए। ठीक है, तो नेचुरोपैथी का सिद्धांत है कि रोग का पहला कारण कीटाणु, विषाणु, जीवाणु या पैरासाइट नहीं है। सबसे पहले तो इस बात को आप समझ लें। दूसरा कारण रोग का कीटाणु जीवाणु हो सकता है, लेकिन पहला कारण क्या है उसे अगर हम समझे और उस बात पर हम अमल करें, उस बात पर ध्यान दें और उस स्तर पर अगर हम उपचार करें तो फिर कोरोना से हम बच भी सकते हैं और कोरोना होने के बाद में हम बहुत जल्दी क्लीन भी हो सकते हैं। ठीक है, जो उपचार आपको करने हैं वो आप बेशक करेंगे एलोपैथी के उपचार, लेकिन उसके साथ साथ ये जो अभी उपचार में आपको बताऊंगा ये भी आप करेंगे। तो नेचुरोपैथी में पहला उपचार जो है षटकर्मज की समय वो एक ही कराया जाता है। तो अभी मैंने कुछ 10-15 दिन पहले हृदयनाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में डॉक्टर केलकर के माध्यम से जो स्टार प्लाजा के ऊपर वीडियो जारी किया गया मुलाकात के माध्यम से, तो मैंने देखा। इससे पहले मैंने खेती करना पहले ही शुरू कर दिया था, जब पहला सीजन कोरोना का आया था पिछले अप्रैल में, तब से मैं खुद के ऊपर खेती कर रहा हूँ। जो भी मुझसे मिलता है मुझे बताता हूँ कि खेती आप करिए, इससे बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। लेकिन ये जब स्टार प्लाजा के ऊपर का जो वीडियो मैंने देखा उसके बाद मुझे अच्छा कॉन्फिडेंस आया कि हम जो कर रहे थे वो गलत बात थी, है ना। गलत बात यानी जो कर रहे थे वो तो गलत पता ही नहीं है, लेकिन उससे बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। पुणे का हॉस्पिटल देना मंगेशकर हॉस्पिटल, उसमें ये बात जब सिद्ध हो गई है अभी कि एक ही का अभ्यास करने से कोरोना का प्रिवेंशन हम कर सकते हैं। ये इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि जब भी कोरोना का इंफेक्शन होता है, संक्रमण होता है, तो एक्सपर्ट का कहना ऐसे है कि ये जो वायरस है ये कुछ समय तक 2-3 दिन तक जो नेजल कैविटी है या फिर नेजल कैविटी के बाद में जो ओरोफेरिंग्स है या फिर फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, वो जो जगह है उस जगह पर 1-2 दिन तक वो वायरस रुकता है और कुछ वो 1-2 दिन के बाद में फिर अंदर एंट्री करता है, लंग्स में एंट्री करता है, जिससे निमोनिया होने लगती है, कंसोलिडेशन हो जाता है और फिर सांस लेने में छोड़ने में दिक्कत होती है। अगर आप इनकी रेगुलर कर रहे हैं एज अ प्रिवेंटिव मेजर करके, अगर आप इनकी कर रहे हैं हर दूसरे दिन या रोज आप कर रहे हैं तो फिर ना भी सफाई हो जाएगी। मान लो आपको कोरोना का इन्फेक्शन भी हो गया तो वो जो पैसेज है वो खारे पानी से, तो हम पानी लेते हैं गुनगुना पानी और उसमें जो सेना हम डालते हैं और उस पानी का टेम्परेचर थोड़ा शरीर के तापमान से थोड़ा अधिक रहता है गुनगुना पानी में, तो उससे वहां का जो वायरस है वो निकल जाता होगा, वो निकलता होगा। उस कारण से फिर आगे जो कॉम्प्लिकेशन आनी चाहिए या फिर आगे जो सिम्टम्स आने चाहिए वो नहीं आते। मैं डॉक्टर पिछले साल से मैं रोज ओपीडी निकालता हूँ, मेरे पास भी अस्थमा के और बहुत सारे पेशेंट आते हैं। मेरे भीतर पहले से इतना डर नहीं था कोरोना के संबंध में, लेकिन मेरे विशेष मेडिकल ऑफिसर है, गवर्नमेंट में है, तो ज्यादा घबराई नहीं थी। और मैं इसे समझा रहा था कि कुछ नहीं होगा, बस आप शरीर की शुद्धि करते रहिए, आंतरिक शरीर की शुद्धि आप नीति से, सीमा से, मन से, सूक्ष्म प्रक्षालन से करते रहिए, आज पाठ ठीक रखिए, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन वो मानते नहीं थे। दिनों के बाद में, एक साल होने के बाद में वो भी रिलैक्स हो गए, चलो अगर हम ये सब कुछ करते हैं तो कोरोना का इतना कोई खतरा नहीं है। ठीक है, अब आज के दिनों में ये बहुत मुश्किल है कि कोरोना का पेशेंट हमारे संपर्क में ना आए, क्योंकि कोरोना इतना फैल चुका है
कि कोरोना के बहुत सारे पेशेंट हो गए हैं और कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको सिम्टम्स नहीं है, वो संपर्क में आ रहे हैं, तो फिर वो इन्फेक्शन के लिए कारण बन जाते हैं। तो हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, हम हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा को फॉलो करें। और उन्होंने जो बताया है संक्रमण को टालने का एक प्रतिबंधात्मक उपाय या फिर इसे क्यूरेटिविटी किसी किसी पेशेंट में कह सकते हैं, तो ये जो उपाय है ये करना चाहिए। आज मैं देखिए यहाँ पर आपको करके दिखाऊंगा, आप वीडियो में स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, एक वीडियो बात है प्लास्टिक का। अगर मैं 30 रुपए से लेकर 50 रुपए तक ये उपलब्ध हो जाता है, जो कि अमेजोन के ऊपर ये 150-200 रुपए का बेचा जाता है, और आप स्टील का भी ले सकते हैं, ताम्र धातु का भी ले सकते हैं, और आप सोने का भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने सोने का भी एटी बात में बनाया है, ठीक है। अब दूसरी व्यवस्था ये रहती है, ये एक बर्तन है और इसमें मैंने पहले से ही सादा अपना पानी, टंकी का पानी, और इसमें सेना नमक डाला है, इसे आइसोटोनिक किया है। इस पानी को सादा पानी लेके तो एटी में इरिटेशन होता, नाक में इरिटेशन होता सादे पानी से, कंपल्सरी इसमें सेना नमक आपने डाला। और इस पानी का जो टेम्परेचर है वो शरीर के तापमान से 1 से 2 डिग्री ज्यादा रहता है, यानी थोड़ा गुनगुना रहता है। ये जो नेकी पॉट है इसे पहले थोड़ा सा पानी से धो ले। अभी सामने मैंने एक बकेट रखी है ताकि इस बकेट में नाक से जो पानी नीचे आएगा उसे मैं ठीक से कलेक्ट कर सकूं। ऐसे बर्तन से इसमें पानी भरना है, 250 ml इसकी मात्रा होती है, इसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। आईना स्लेट का है, उसे निकालना है, और इस मात्रा को होल्ड करने के लिए यहाँ पर एक व्यवस्था रहती है, एक खड्डा रहता है, यहाँ पर इसे ठीक से ये मात्रा पकड़ा जाता है। अब जब हम इस एंड को, जो ये एंड है, इस टोटी को जब हम नाक में इंसर्ट करेंगे तो मुंह को खुला रखना है ताकि हम सांसों को मुंह से भर सके और छोड़ सके, ठीक है। आप खाने के बाद 1-2 घंटे के बाद में एंटी कर सकते हैं, सुबह जब स्नान करते हैं तब भी एंटी कर सकते हैं, और रात को भी एंटी कर सकते हैं, खाने से पहले कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पानी पेट में नहीं जाता। शुरुआत में अगर आप एंटी कर रहे हैं तो ये पानी पेट में थोड़ा थोड़ा जाता है। शुरुआत में जो लोग नीति करेंगे उन्हें पानी अंदर जाने से छींके भी आएंगी, आंखें लाल हो जाएंगी, चेहरा देखने लायक हो जाएगा, ठीक है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, बस खाली इसके लिए एक प्रिकॉशंस ध्यान में रखें कि जिनके नाक का ऑपरेशन हो गया है वो नीति मेरे तक नहीं करेंगे, जिनके नाक से खून मिल रहा है वो लोग नीति नहीं करेंगे। इसके बाद जिनका नाक चोक है, जिनके नाक में नेजल पॉलिप्स यानी जिनके नाक में मांसांकुर है वो नीति नहीं करेंगे, जिनका नाक हमेशा हरदम हर समय ड्रॉप रहता है वो भी नीति नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी नीति कर सकता है, ठीक है। और एक बात, तीव्र सर्दी अगर है, एक्यूट राइनाइटिस, एक्यूट साइनोसाइटिस में भी आप नीति नहीं करेंगे, ये बातें ध्यान में रखनी है। एज अ प्रिवेंटिव करके आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो अभी मैं नीति करने जा रहा हूं, ऐसे ये जो एक टोटी जो है ये राइट नॉस्टिल में मैं इंसर्ट करूंगा और लेफ्ट नॉस्टिल से पानी को बाहर निकाल दूंगा, अपने आप ग्रेविटी से पानी बाहर आ जाता है, तब मुंह खुला रहेगा और ब्रीथिंग जो है वो मुंह से करेंगे। Yeah.
होने के बाद में कपालभाति करनी है, जैसे अब ऐसे साइड में ऐसे सर को रख के झुका के भी कपालभाति आपने करनी है, नहीं तो फिर जो साइनस में अटका पानी है वो अगर वैसे ही रहा तो फिर बड़ी दिक्कत हो सकती है और सर्दी हो सकती है। ऐसे झुका के और फिर दूसरी तरफ से झुका के रुमाल से भी ऐसे पूछ लेना है। मुझे एलर्जी राइनाइटिस की बहुत शिकायत है, ऑलरेडी मैं डॉक्टर हूँ, आयुर्वेद फिजिशियन हूँ, मैंने दवा भी बहुत ली लेकिन फर्क तो आता था लेकिन पूरा क्योर नहीं होता था। फिर मैंने जलनीति का अभ्यास शुरू किया और करीबन मैंने 6 से 8 महीने तक रेगुलर अभ्यास किया। पहले 1-2 महीने में थोड़ा फायदा लग रहा था, फिर जैसे जैसे मैं करते गया आगे वैसे वैसे एलर्जी राइनाइटिस जो है वो बीमारी करीबन 90% मेरी ठीक हो। आज भी मुझे 10% थोड़ी सी तकलीफ होती है, जब भी तकलीफ होती है तो मैं एंटी कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक सवाल पूछा है, तो इसका जो पानी है इसका टेम्परेचर थोड़ा गुनगुना यानी गर्म होना चाहिए, शरीर के तापमान से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, और इसमें आप सैंधव नमक पंचलवन जो है 5 तरह के नमक आते हैं बाजार में, उसमें से जो सैंधव नमक है वो आप इसमें डालेंगे और जो पानी है वो टेस्टी बनाएंगे। अब लोग पूछते हैं कि कितना पानी ले कितना नमक डालें, तो एक सीधा साधा आंसर मैं देता हूँ कि आप उस पानी को टेस्टी कर लेंगे, ज्यादा नमकीन भी वो पानी नहीं होना चाहिए और ज्यादा ऐसे फीका भी नहीं होना चाहिए, तो पानी टेस्टी हो जाएगा। और फिर इस बर्तन में ये जो नीति पात्र है इस पात्र में भर के ऐसे नाक में इंसर्ट करके अभी जैसे मैंने करके दिखाया आपको वैसे आप करेंगे, बहुत ही आसान क्रिया है और इसके ऊपर रिसर्च भी हो चुका है हृदयनाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में, वो वीडियो मैंने सर को भी शायद भेजा था, सर ने आपके ग्रुप में भी वो वीडियो डाला होगा या फिर और कहीं ग्रुप से आपको वीडियो देखने को मिला भी होगा। डॉक्टर जो धनंजय केलकर है उन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि जो नीति करेगा उसे कोरोना नहीं होगा। हाँ, इस बात की कोई बहुत सारी गारंटी तो नहीं हम दे सकते क्योंकि प्रकृति के हिसाब से है ना, शरीर में अगर कोई बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी है और पहले से ही वो बीमार व्यक्ति है और फिर 1-2 बार नीति किया उसको कोरोना कोरोना के संपर्क में आ गया, पेशेंट के संपर्क में आ गया और उसको अगर नीति हुई तो इसके बारे में हम कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। अगर आप रेगुलरली 2-3 महीना अगर नीति करते हैं, कोई बड़ी बीमारी आपके शरीर में नहीं है, तो फिर आप निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि मैं अभी प्रोटेक्ट हो गया हूँ। और खाली इतना उपाय नहीं कर मैं आज आपको बता नहीं रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं बहुत सारे उपाय आपको बताऊंगा जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप करेंगे, आप अपने शरीर की सुरक्षा करने के लिए पूरे तैयार हो जाओ। अब ये तो नीति का उपचार हो गया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ नेचुरोपैथी के बारे में कि आधे से ज्यादा रोग कंस्टिपेशन से होते हैं, आधे से ज्यादा रोग कंस्टिपेशन से होते हैं, तो आप चेक करिए खुद को और पूछिए खुद को एक सवाल कि क्या मुझे पेट साफ होता है या नहीं होता है। अगर आपका आंसर अगर आता है कि नहीं होता है, कैसे सोते हैं, पेट साफ नहीं होता है, हार्ट स्टूल होता है, स्लीपी स्टूल होता है, तो आप अपने पानी को 500 ml 600 ml पानी को ले लें, उसमें सैंधव नमक डाले है ना, या फिर नींबू का पानी भी ले सकते हैं, आप लाइम वाटर ले सकते हैं, 600 ml पानी लेके बाजार में मिलता है तो सेट लेके आप घर पे ही नीमा ले सकते हैं। अगर आप नीमा लेंगे तो आपका मलाशय शुद्ध रहेगा,
चांसेस बहुत कम रहेंगे। मेहंदी करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले ये बात ध्यान में रखिए कि आपको अपने हाथों में मल जमा नहीं रखना है। अगर आपके हाथों में मल जमा है, आपका पेट साफ नहीं होता है, ऊपर से आप मेहंदी का अभ्यास कर रहे हैं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको कोरोना होगा या नहीं होगा, ही होगा, हो भी सकता है, उसके चांसेस रह सकते हैं। लेकिन अगर आपका पेट बहुत अच्छा है, आप जो खाना खाते हैं भोजन हो जाता है, आपका पेट पूरा साफ हो जाता है, तो फिर ये रीति करने से आप कोरोना को डाल सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक प्रिवेंटिव मेजर उपाय के लिए सामने आया है और इस बात का हमें गौरव है कि ये उपाय नेचुरोपैथी का उपाय है, ये उपाय योग का उपाय है, हृदयोग का उपाय है, और ये जो क्रिया है ये शिवियों ने हमें बताई। दूसरी जो बात मैंने बताई सीमा, उसके बारे में भी आप सोचेंगे, उसका प्रात्यक्षिक अभी मैं नहीं दिखा सकता, खाली बताऊंगा आपको इनिमा कैसे लेना। किसी भी सर्जिकल के ऊपर इनिमा पॉड मिलता है, ठीक है, लवाक कंपनी का इनिमा पॉड मिलता है, एक अच्छी क्वालिटी का इनिमा पॉड रहता है, अंदाजन वो 200 से 300 रुपए के बीच में आपको मिल जाएगा इनिमा पॉड। फिर उसी सर्जिकल से 10 नंबर का एक सिंपल रबर कैथेटर आप लेंगे, एक नली रहती है रबर की, एक साइड ओपन रहती है, एक साइड ब्लंट रहती है, तो जिस साइड ब्लंट रहती है वहां पर तेल लगा लेना है, और जो इनिमा पॉट है उसमें 600 ml पानी भरना है, गुनगुना पानी, और उसमें नींबू निचोड़ के डाल देना है, अगर नींबू वाली नहीं है नींबू निचोड़ के डाल देना है, और आपने लेफ्ट लैटरल पोजीशन यानी बाई करवट लेनी है और सो जाना, उससे पहले उस नली का जो पानी है यानी इनिमा पॉट से लेकर 10 तक की जो नली है उसमें जो हवा होती है वो आप निकाल लेंगे नल को शुरू करके, और फिर वो नल की जो टूटी रहती है उसको आप रबर कैथेटर अटैच कर देंगे, और जो रबर कैथेटर है उसका जो सामने का नल है जो ब्लड इनटेक कहा जाता है वहां पर आप कोई भी तेल लगाएंगे, नारियल तेल लगाएंगे, घी का तेल लगाएंगे, कोई भी तेल लगाएंगे और इसे सॉफ्ट कर लेंगे, फिर एनस को थोड़ा सा तेल लगा के वो जो कैथेटर है वो एनस में 4 इंच यानी इतना 1 मिलीमीटर उसको इंसर्ट कर देंगे, और इनिमा पॉड की जो इनिमा पॉड का जो नल है उसकी टूटी आप शुरू कर देंगे, उसका पॉप आप शुरू कर देंगे, तो ग्रेविटी से वो पानी इनिमा से बृहदान्त्र में यानी लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, और वहां जो मल चिपका हुआ है, फैला हुआ है, तड़ा हुआ है, जो मल वो मल में जो पानी फिक्स हो जाता है, और कुछ समय 5 या 10 मिनट के बाद में पेट साफ करने की इच्छा होती है तो टॉयलेट में जाकर आप पेट साफ कर लीजिए, तो इससे क्या हो जाता है, तो संचित मल है वो दूर हो जाता है और उसके बाद से भी संक्रमण का खतरा बहुत कम हो जाता है, चाहे वो कोरोना हो या फिर और कोई संक्रमण हो, सभी संक्रमण का खतरा इस क्रिया को करने से, बस्ती क्रिया को करने से कम हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा कंस्टिपेशन है तो 10 से 15 दिन तक महीने 2 महीने तक आप रेगुलर इनिमा ले सकते हैं। बहुत से लोगों को एक भ्रम हो जाता है कि इनिमा लेने से उसकी आदत पड़ जाती है, ऐसा होता नहीं, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया इस बात को, तो मुझे भी थोड़ी सी पेट की शिकायत थी, तो 1 महीने तक इनिमा लेने के बाद में मैं डिपेंड सा हो गया था इनिमा के ऊपर, तो मैंने इनिमा कंटिन्यू किया 2-3 महीने तक इनिमा कंटिन्यू किया, और फिर एक बार पेट ठीक होने के बाद में इनिमा छोड़ दिया, तो मुझे फिर ऐसे लगा ही नहीं कि अभी मुझे इनिमा लेने की आवश्यकता है, अब रोज ठीक से पेट साफ हो जाता है। अगर बीच में कभी 10-15 दिन में अगर ऐसे लगता है कि पेट साफ नहीं हुआ है, तो उस दिन मैं गुनगुने पानी का नींबू डालकर नमक डालकर इनिमा ले लेता हूँ, मेरा पेट साफ हो जाता है, एक दिन मैं करता हूँ, उसके बाद मैं छोड़ देता हूँ, जब ऐसा लगता है कभी कि पेट साफ नहीं हुआ तब मैं इनिमा करता हूँ। आपसे मेरी विनती है, क्योंकि मैं 2005 से नेचुरोपैथी कॉलेज में पढ़ा था और मेरे अंडर 1 साल में कम से कम 150 से 200 स्टूडेंट रहते हैं, और इस बात से मैं बहुत खफा हूँ, मैं दुखी हूँ
कि बहुत से लोग जैसे नीति वगैरह तो कर लेते हैं लेकिन हीमा नहीं करते, संकोच बस हेजिटेशन के कारण को हीमा नहीं करते हैं। तो अब समय आ गया है, अब हीमा नहीं करोगे तो फिर आपको ना बेड मिलेगा ना ऑक्सीजन मिलेगा ना कुछ नहीं मिलेगा, और हो सकता है कुछ अनहोनी ना हो जाए आपके साथ में, जो कि अभी 10-15 दिनों में महागाम प्रचार हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सुरक्षित रहूं, मेरी फैमिली सुरक्षित रहे, तो नेचुरोपैथी के लिए दो उपाय आप बिल्कुल करेंगे, एक तो जलनीति और दूसरा हीमा। ठीक है, एक अगर बहुत अच्छा है तो ठीक है हीमा टाल नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर हीमा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप हीमा करेंगे तो अच्छी बात ही आपके संबंध में आपको अनुभव होगी। ठीक है, तो ये नेचुरोपैथी के संबंध में था। अभी मैं आता हूं थोड़ा सा योग के संबंध में। अब रोज आप जैसे सुबह उठिए, मन प्रवृत्ति से मल त्याग के बाद में, ब्रश के बाद में, स्नान के बाद में आप बैठिए और गहरी सांस भरिए और छोड़िए, लंबी सांस भरेंगे दीर्घ श्वसन का अभ्यास करें। ऐसे दीर्घ श्वसन का अभ्यास करेंगे, कम से कम 5 मिनट तक आप अभ्यास करेंगे। फिर कपालभाति का अभ्यास आप 10 से 15 मिनट तक करेंगे। ऐसे के बाद में ओंकार करेंगे, आप अपने परंपरा के अनुसार ओम आनी जो भी कहना चाहते हो कह सकते हैं। गहरी सांस भर के 3 से 5 बार ओम का उच्चारण, गहरी सांस भर के लंबा गहरा सांस छोड़ते हुए लंबी और दीर्घ श्वास बाहर छोड़ते हुए उसके साथ ओंकार करना है। अभी मेरा ओंकार आप देखेंगे एक लंबा ओंकार है।
ऐसे ही पांचवा अनुदान होता है, इक्कीस बार अनुदान करते हैं। और जो हमारे मुस्लिम भाई थे अगर वो नहीं कहना चाहते तो ऐसे भी लंबी सांस करके ऐसे इसका उच्चारण कैसे करना चाहिए मुझे ठीक से पता नहीं है, हो सकता है प्रभुवाद गलत है। लेकिन आप अपने परंपरा के अनुसार कोई भी एक परम शब्द को ध्यान में लीजिए और उस शब्द का लंबा उच्चारण कीजिए, लंबा उच्चारण कीजिए। एक कोरोना का ये प्रिवेंटिव मेजर भी है, एक प्रिवेंशन के लिए भी ये किया जा सकता है, उपचार के लिए भी किया जा सकता है। क्योंकि कोरोना के बाद में लोग इतने डिप्रेस हो रहे हैं, लोग इतने अवसादित हो रहे हैं कि आधे से ज्यादा लोग कोरोना होने के पश्चात माइंड डिप्रेस होने से मर रहे हैं। कोरोना से बहुत कम लोग मर रहे हैं और अवसादित होने से, एंजाइटी बढ़ने से, हार्ट हाई बीपी, हाइपरटेंशन होने से, हार्ट अटैक आने से ही लोग मर रहे हैं। बिकॉज ऑफ इनके कोरोना हो गया मैं मर गया, इस विचार से ही लोगों का बीपी इतना बढ़ जाता है कि इतना से अटैक आ जाता है, वो फिर घोषित किया जाता है कि कोरोना से नहीं अटैक से मर गया। ऐसे बहुत सारे केसेस इंडिया में देखे जा रहे हैं जो हार्ट अटैक से मर रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव और हार्ट अटैक से मर रहे हैं। हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? क्योंकि स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन इतना बढ़ रहा है अंदर और उसे क्रिएट करने का, उसको हार्मोनाइज करने का कोई तरीका हम जानते नहीं है, या फिर वो जानकर भी करते नहीं है, उस कारण से भी वो उनकी मौत हो जाती है। ठीक है, तो ये एक बात है। ये हुए योग के उपाय। योग में आप ध्यान मुद्रा का अभ्यास करेंगे, इससे मन स्थिर रहेगा, चंचलता कम रहेगी। क्या करना है उसका हम डिसीजन प्रॉपरली ले पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे फोन करके पूछते हैं कि सर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, है ना। हमारे चाचा हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई कह रहा है कि हमारे पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई कह रहा है मेरी माँ या भाई हॉस्पिटल में एडमिट है, और हमें कुछ भी सूझ नहीं रहा है कि करें तो क्या करें, और हमारे भी एंजाइटी बढ़ रही है, हमें भी बड़ा सा घबराहट हो रही है। तो उस समय आप ध्यान मुद्रा करिए, लंबी लंबी सांसें भर के मानसिक ओंकार करिए। मननात राहित इति मंत्र, जो मन का रक्षण करता है उसे मंत्र कहा जाता है। अगर आप इस मंत्र को मानसिक स्तर पर अगर करेंगे तो आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन और आपका अवसाद और आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा और आप उसको भी बचाओगे और जो पेशेंट है उसको भी बचाओगे और बाकी लोगों को भी बताओगे वो भी आप बचाने का काम करोगे। ठीक है, और कुछ अगर बहुत ज्यादा एंजाइटी बढ़ती है तो शवासन का अभ्यास करेंगे, योग निद्रा का अभ्यास करेंगे और उसके साथ साथ आप स्ट्रेस लेवल को कम करेंगे। ये हुए योग से संबंधित कुछ उपाय। अब मैं आता हूँ आयुर्वेद के ऊपर। आयुर्वेद में तो बहुत सारे उपाय बताए हैं और उसमें से कुछ यही चुने उपाय जो जिनका रिसर्च हुआ है और वो सिद्ध हुए हैं, एक थेरेपी करके वो सिद्ध हुए हैं, ऐसे उपाय मैं आपको बताऊंगा। आयुर्वेद में बहुत पहले धूपन कर्म किया जाता था जिसे लोगों ने धूम्रपान करके बोलना शुरू कर दिया। धूपन कर्म, धूम्रपान कर्म। ठीक है, तो क्या करना है आपने ये आप लिख भी सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं, लिख सकते हैं। आपने राई लेनी है, राई यानी मोहरी, मराठी में जला मोहरी होता है, राई लेनी है। उसके बाद में आपने अजवाइन लेना है, जलन की पत्तों पर मारते हैं, उसके बाद में आपने सूखे हुए नीम के पत्ते, सूखे हुए नीम के पत्ते लेने हैं, वेखंड वचा। ठीक है, वेखंड वचा ये भी आप ले सकते हैं। और उसके बाद में आप उसमें राड, मराठी मध्ये राम आपण त्याला म्हणतो सुगंधित द्रव्य असते, पुस्तवाने टाकल्यानंतर त्याचा सुगंध येतो राग। तो इतने द्रव्य आपने एक करके गाय का जो गोबर है, सूखा हुआ गोबर, उसको ठीक से जला के उसका
हम निखारा बनाएंगे और उसके ऊपर हम पाउडर डालेंगे और उसका धूपन करेंगे। तो धूपन करते समय नाक से भरे मुंह से छोड़े, नाक से भरे मुंह से छोड़े, नाक से भरे मुंह से छोड़े, ऐसा आप करेंगे। एक बार करना है। घर में जितने भी मेंबर्स है उतने मेंबर्स को आप धूपन कर्म कराएंगे। फिर से मैं रेमिडीज आपको बताता हूँ। राई आप लेंगे, साबित राई भी ले सकते हैं या राई का पाउडर भी ले सकते हैं। उसके बाद में अजवाइन लेना है, सूखे नीम के पत्ते लेने हैं। उसके बाद में फिर बेखंड से बचा बोलते हैं और उसका लैटिन नेम है एक्वस कैनवस, इसे लेना है। और राण जो होती है उसे लेना है। तो ये पांच चीजों को इकट्ठा करके आप अगर धूपन करते हैं तो आपको ज्यादा प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता नहीं है। वही अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इसके बारे में आपको है ना सजग ही करूंगा कि आप मास्क पहने, फिर सैनिटाइजर से हाथ धोए, ठीक है। ये करने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों को कोरोना हो रहा है, यानी वो मास्क पहन रहे थे, सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे थे, फिर भी कोरोना हो गया। तो ऐसे अगर कोरोना हो रहा है उसके लिए कुछ अलग उपाय भी हमने करने चाहिए। ये उपाय तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में ये धूपन कर्म अभी जो मैंने बताया आपको ये भी आप करेंगे। ये जो उपाय है ये उपाय हमारे गुरु आर्य है जो जलगांव प्रदेश में डॉक्टर नरेंद्र गुजराती करके है। सबसे पहले एमडी है, उन्होंने ये उपाय खोज के निकाला है। उसका कहना ये है कि आज तक मैंने मेरे हॉस्पिटल में और मेरे किसी भी कर्मचारी ने मास्क नहीं पहना है और फिर भी हमें कोरोना नहीं हुआ है। फिर भी मैं कहता हूँ कि ये थोड़ा सा देरी हो जाएगा। आप सब कुछ करिए, मास्क भी पहनिए, लेकिन साथ में आप अगर धूपन कर्म करते हैं, आपके घर में पूरा धूपन कर देते हैं, तो इससे मच्छर भी हट जाएंगे और कोरोना होने की संभावना पॉसिबिलिटी इससे कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक उपाय हो गया। दूसरा उपाय है आयुर्वेद में पंचकर्मा। पंचकर्मा में पांच कर्म आते हैं, वमन, विरेचन, भस्ति, रक्तमोक्षण और नस्य। ये जो पांचवा उपाय है नस्य, इसमें इसका टाइप है, नस्य का एक टाइप है, शमन प्रतिमर्श नस्य करके आता है ये। तो जो प्रतिवर्ष नस्य के लिए आपने लेना है, बाजार में अणु तेल नाम से एक तेल पतंजलि स्टोर पर भी मिलता है, बाकी आयुर्वेद स्टोर पर भी आपको अणु तेल नाम से ये तेल मिलेगा। और इस तेल को एक एक नासिका में चार चार बूंदे डालनी है, किसी को अगर सहन नहीं होगी तो दो दो बूंदे डाल दो। इससे क्या होता कि जो तेल अंदर जाता है नेजल कैविटी में जाता है, उसके बाद में उसमें एक तेल होता है अनुतेल करके,
खुद से भी डाला जाता है। लोग क्या करते हैं, श्वासा की टैबलेट खाते हैं, बोरोनी की टैबलेट खाते हैं, बाजू में रख देते हैं और वो वैसा ही पड़ा रहता है। बहुत सारे लोगों को मैंने वापस लाते हुए भी देखा कि डॉक्टर साहब ये दिन ले लो या हमें नहीं चाहिए। मैंने बोला क्यों खराब है? नहीं, बोले हमें वो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, वो नाक में डालना और फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि लोग बेबजाय डर रहे हैं, जो उपाय है वो नहीं कर रहे, अपाय कर रहे हैं और फिर डर रहे हैं, और डर के मारे इतने डर रहे हैं कि शॉप में चले जा रहे हैं। मेरा कहना ये है कि अगर आपको कोई वैद्य या डॉक्टर अगर ये ऐसा उपाय बताता है तो उसको आप सुने और उसे खुद भी करे और घर वालों को भी करने की वहां पर कंपल्शन करे, ठीक है। तो ये अनुपेय का नस्य नाक में आप डाले, उसके साथ साथ आप दिनचर्या का भी ध्यान रखें। सुबह आप जल्दी उठेंगे, उठते का स्वस्थ रक्षा आयुष, ऋषि मुनि ऐसा कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आयु बढ़ती है और स्वास्थ्य का रक्षण होता है। बहुत बड़ी बात ऋषि मुनि ने कही है। और रात को जल्दी सोना है, 8:30-10 बजे सो जाना है, ठीक है। ये पहली बात आप करेंगे। दूसरी बात, सुबह उठ के आप गुनगुना गर्म पानी पिए ताकि आपका गला साफ हो सके। अभी निकालना शुरू है, लोग सुबह उठने के बाद में मटके का फ्रीज का ठंडा का पानी पी जाते, आप गलत कर रहे हैं। ये बात गलत है, सुबह के समय में नहीं करनी है। 9 बजे तक आप ठंडा पानी मत पीजिए, मटके का पानी मत पीजिए, आपको गर्म पानी ही पीना है। कंपल्सरी गर्म पानी पिएंगे आप, भले उसमें आप शहद डाल सकते हैं, ठीक है, आवश्यकता पड़े तो दो नींबू के भी डाल सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। आयुष इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से एक कोरोन जो ये है काढ़ा जो है उसका प्रसारण किया, उसके बंडे आप लिख सकते हैं। उसमें तुलसी है, उसके बाद में दालचीनी है, तुलसी है, दालचीनी है, जीरे है, ठीक है, और अश्वगंधा उसमें, ठीक है। अभी आप कोरोनिल टैबलेट जो है स्वामी जी स्वामी रामदेव जी की, तो उसमें 3 ही कंटेंट्स है, तुलसी, जीरे और अश्वगंधा, 3 ही कंटेंट्स से मिली हुई है कोरोनिल टैबलेट स्वामी रामदेव जी महाराज की टैबलेट। अब तो इसमें तो अर्थात दालचीनी भी डाल रहे हैं कि जो एंटी वायरल करके रोल प्ले करे। तो ये जो कोरोनिल काढ़ा जो है ये सुबह उठ के उसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे, आप उबाल के जैसे चाय बनाते हैं वैसे उबाल के उसमें दूध मत डालना, तो उसमें थोड़ा सा गुड़ डालना है, चीनी नहीं डालनी, शक्कर नहीं डालनी, गुड़ डालना है और वो गरम गरम काढ़ा पी जाना है। अगर आपको ये पसंद नहीं आता तो 9 बजे के पहले आप गरम गरम सब्जी का सूप पी सकते हैं। 9 बजे के पहले आपने कुछ भी ठंडा नहीं खाना है, ठंडा नहीं पीना है, आप गरम गरम पीएंगे और वो भी लिक्विड ही होगा, खाना नहीं खाएंगे आप तुरंत, ठीक है। पहले गर्म पानी पीजिए और खाना खाएंगे बाद। तो ये तरीका आप इस्तेमाल करेंगे। और एक बात, आप बहुत पेट भर के मत खाइए, क्योंकि पेट फिर गंदा हो जाएगा, फिर आपको योगा करना पड़ेगा, सदैव करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप पेट को आप पूरा पेट नहीं भरेंगे, और तो मेहमान हमारे पास हमारे घर पर आते हैं बोलते हैं पेट भर के खाना खाओ, संकोच मत करो, ठीक है, पूरा खाना खाओ, आराम से खाओ, ऐसे हम बोलते हैं। तो पेट भर के कभी खाना खाना ही नहीं होता है, कम से कम 1 रोटी की जगह पेट में रखनी है, ठीक है, तब खाना छोड़ देना। थोड़ा कम खाएंगे, कम खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। हठयोग प्रदीपिका में ये संदर्भ आता है, चतुर्थांश विवर्जित उच्चते शिव संप्रीते मिताहारः उच्यते। जो मिताहारी होगा वो जिएगा, वो बचेगा। ये जो ज्यादा खाने वाले और कम खाने वाले लोग जो है उन्हें संक्रमण होने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। जो संतुलित खाते हैं, मात्रा जिनकी मिताहार होता है, मात्रा यानी आवश्यकता से कम जो खाते हैं, वो उन्हें संक्रमण जल्दी नहीं होता। हठयोग प्रदीपिका में कहा गया है,
चतुर्थांश विवर्जित उच्यते शिव समृद्धि विकास उच्यते, तो इस परिभाषा को फॉलो करना है। ठीक है, तो ये बात खाने के संबंध में नहीं है, पर ठंडा भी मत नहीं, है ना, बर्फ नहीं, बर्फ आपको नहीं खाना है। लस्सी अगर आप लेंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर के लिए ही है, आइसक्रीम तो कतई नहीं लेना है, चीज का पानी तो कभी भी नहीं पीना है। ठीक है, ये बातें आप करेंगे। और रात को सोने से पहले गाय का, देसी गाय का दूध और उसमें हल्दी डाल के आप पिएंगे, इससे इम्यूनिटी पावर अच्छी हो जाती है और इससे हमारे शरीर का प्रोटेक्शन हो जाता है। उसके साथ साथ ब्रह्मचर्य के ऊपर ध्यान देना है ना, जिनकी शादी हो गई है वो अपने पति के साथ 7 दिन में एक बार ही संबंध रख सकते हैं, उससे ज्यादा अगर संबंध आ रहा है तो ये शरीर के प्रतिकार क्षमता को इम्यूनिटी को है ना रोक लग सकता है। अभी तो ग्रीष्म चल रहा है, इसमें और 15 दिन का इंटरवल भी बोला जा सकता है। तो ब्रह्मचर्य का ध्यान रखना है, आहार ब्रह्मचर्य और निद्रा, नींद आपकी सही हो इसके लिए आप पैर के तलवे की मसाज करें, कान के ये जो भाग है इसलिए है यहाँ मसाज करें और दोनों हाथ ऐसे तेल लगा के ऐसे थोड़े से रगड़ लेंगे तो सूजन थेरेपी हो जाएगी और पूरे पॉइंट प्रेस हो जाएंगे, आपके पूरे ऑर्गन एक्टिव रहेंगे और आपके शरीर का जो काम काम है अंदर जो विजयमती जो है आपकी वो ठीक से चलती रहेगी, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपको खुश रहना है, आपको दुखी नहीं रहना है और उत्साहित नहीं रहना है। बहुत से लोगों के पास अभी काम नहीं है, लोग घर पे टीवी देख रहे हैं और ऐसे सीरियल देखते हैं, ऐसी पिक्चरें देखते हैं, उससे लोग निगेटिव हो रहे हैं। दिन भर वो न्यूज देख रहे हैं और न्यूज के कारण से लोग दहशत में आ रहे हैं। न्यूज से हमें बहुत कुछ बातें पता नहीं चलती है, लेकिन अगर आप दिन भर न्यूज देख रहे हैं वही वही रिपीटेड हैपनिंग आपके ब्रेन पर हो रहा है तो ये बात आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही धोखादायक है, हानिकारक है। आप दिन भर न्यूज ना देखिए, बेटर वे आप टीवी ना देखिए। टीवी देखनी है तो आप न्यूज ना देखिए, उससे गाइड होगी। न्यूज पढ़ने हैं तो पेपर में पढ़ लीजिए, बस न्यूज पेपर में पढ़ते हैं तो बस जानकारी मिल जाती है, उसका जो उसकी जो डेप्थ है, उसका जो गंभीरता है वो हमें पता नहीं चलता है। अब टीवी पर छोटी बात रहती है वो बड़ी करके दिखाई जाती है कभी कभी, है ना, जानकारी तो मिल जाती है लेकिन आवश्यकता से अधिक हम अलर्ट हो जाते हैं, उससे हमारा स्ट्रेस टेंशन और एंजाइटी उससे बढ़ जाती है। ये भी आपको करना है मध्यमेह में। ठीक है, तो और भी बहुत कुछ उपाय कोरोना के विरुद्ध किए जा सकते हैं, लेकिन ये अहम उपाय है, आप कितना भी करेंगे तो भी आप सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा अगर आयुर्वेद में दवा के ऊपर अगर बात करनी है तो आप अश्वगंधा खाएंगे, अश्वगंधा टैबलेट आती है बाजार में मिलती है, मैं भी आयुर्वेद फिजिशियन हूँ, जवाहरनगर में मेरा क्लिनिक है श्री विश्वनाथ आयुर्वेद पंचकर्मा नेचुरोपैथी और योग चिकित्सालय के नाम से क्लिनिक है, आयुर्वेद औषधालय भी है, वहां पर हम जिलोई की टैबलेट रखते हैं, अश्वगंधा की टैबलेट रखते हैं, कोरोनिल किट रखते हैं, जो भी पेशेंट है उनके लिए ये सब सुविधाएं औषधि के स्तर पर हम उनको प्रमोट करते हैं। इसके साथ साथ कोल्हापुर संस्थान विश्व मंडली की तरफ से माधव रसायन भट्टी और रस माधव भट्टी ये एज अ प्रिवेंशन और प्रिकॉशन करके आप ले सकते हैं। रस माधव भट्टी 10 दिन का इसका डोज रहता है प्रिवेंशन के लिए, तो आप सुबह शाम एक एक गोली रस माधव भट्टी की और माधव रसायन भट्टी की एक एक गोली सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। जो जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही खराब है तो फिर वो सुबह च्यवनप्राश 2 चम्मच च्यवनप्राश दारुष्ण गाय के दूध के साथ में ले सकते हैं। ये अनुपान बहुत आवश्यक है, बहुत से लोग
किराना दुकान से जो अमरास लाते हैं और वैसे ही खाने के साथ खा जाते हैं, तो इससे इम्यूनिटी नहीं बढ़ती है। अगर आपको च्यवनप्राश खाना है तो आप प्रॉपरली सुबह उठ के खाली पे दो चम्मच च्यवनप्राश भुने गाय के साथ में या फिर धारोष्ण दूध के साथ में, देसी गाय का दूध होना चाहिए, जर्सी गाय का दूध नहीं होना चाहिए, भैंस का दूध नहीं होना चाहिए, तो ऐसा सेवन कर सकते हैं। एलोवेरा जूस ले सकते हैं, आंवले का पाउडर ले सकते हैं सुबह शाम एक एक चम्मच, ठीक है, सुंठ का काढ़ा ले सकते हैं, अदरक का काढ़ा ले सकते हैं, शहद आप भोजन में खा सकते हैं, दो चम्मच शहद, जैसे हम भोजन में चटनी को चाटते हैं ऐसे थोड़ी थोड़ी चटनी खाते हैं, वैसे दो चम्मच शहद लेके थोड़ा थोड़ा शहद अगर हम खाएंगे तो हमारे लंग्स जो है वो एकदम हेल्दी रहेंगे, ठीक है। योग में आप सूर्य नमस्कार करिए, सुबह उठ के कम से कम 15 से 20 मिनट सूर्य के अभिमुख होकर, है ना, तो आपको सनबाथ भी हो जाएगा और सूर्य नमस्कार भी हो जाएगा। 15 से 20 मिनट तक सनबाथ कीजिए, 15 से 20 मिनट तक सूर्य नमस्कार कीजिए, खुली हवा में घूमिए। आज मैंने शंख नहीं लाया, नहीं तो मैं रोज 3 बार शंख वादन करता हूँ, मेरे पास एक बड़ा शंख है, ठीक है। मैंने कहीं तो भी व्हाट्सएप पर देखा था कि एमबीबीएस एमडी डॉक्टर जो बलून होते हैं, बलून फुलाने के लिए ऐसे बोलते हैं कि बलून फुलाओ तो आपको कोरोना नहीं होगा या फिर हो गया है तो ठीक होने की संभावना है, तो हम लोग आयुर्वेद एथ्रोमेट्रियन योग के साधक है और वायुतंत्र चिकित्सा के अंतर्गत शंखवादन हमें बताया जाता है, तो उसका पूरा फायदा लें। शंखवादन करने से ध्वनि जो है उस शंख की वो एटमॉस्फेयर के वायरल लोड को और बैक्टीरिया लोड को कम कर देती है, ये बात सिद्ध हुई है, और शंखवादन करने से पूरा लोड आता है, पूरा दबाव आता है फेफड़ों पर, और जिससे फेफड़ों की प्राण लेने की और छोड़ने की क्षमता में बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। ये उपाय करेंगे और इसके बाद में एक वैदिक उपाय आप करेंगे, अगर आप थोड़ा सा इसे पसंद करते हैं तो निश्चित रूप से करेंगे। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आप यज्ञ करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे, एक यज्ञ प्रार्थना दे दीजिए, मेरे पास यहाँ पर है, मैं करेगा। ये यज्ञ पात्र है, ठीक है, ये सामने रखेंगे, सूर्योदय के समय पूर्व अभिमुख होकर हमारा जो मुख है वो पूर्व दिशा में होना चाहिए, और इसमें गाय की जो गोरी होती है वो थोड़ी सी डालेंगे, सेनी कपूर डालेंगे, दुकान पर जो मिलता है सिंथेटिक कपूर रहता है, सेनी कपूर डालेंगे इसमें, और घी ले लेंगे एक पत्र में, पत्र में घी ले लेंगे, और 24 गायत्री मंत्र क्या हो, ओम भूर्भुवस्वः सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि जीवो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः, ऐसी 24 आहुतियां गायत्री मंत्र की, 12 आहुतियां महामृत्युंजय मंत्र की, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुभद्रं पुष्टिवर्धनं भवाम्यं देवो वंदनात् सत्यरक्षेयां प्रदा स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः, ऐसी। उसके बाद में ये माता होती है, फिर यजुर्वेद में संक्रमण के संबंध में कुछ मंत्र आए हैं, उससे संबंधित कुछ आहुतियां देनी है, ओम दंत्य आदित्य किरणांतो निप्रोचनांतो रश्मिभ्यः लक्ष्मीभ्यः स्वाहा इदं आदित्य गणेभ्यः इदं नमः, ये पहला मंत्र है। दूसरा मंत्र है ओम शिक्षकम शिक्षामयम कर्ण सुलो मिलो हितम सर्व शिक्षण ने देव ओम बहिर्निमम त्रयामये स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। और तीसरा मंत्र है ओम अग्ने वैश्वानर विश्वर्मा देवे पाहि स्वाहा स्वाहा इदं वैश्वानराय इदं नमः। और फिर एक सूर्य से और प्रजापति से अवधि लगानी है, ओम सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं नमः, प्रजापतय स्वाहा प्रजापतय इदं नमः। और फिर जब तक ये ओम प्रज्वलित
था यज्ञ से अग्नि सही है, तब तक उस अग्नि के समीप ही उनके यज्ञ के समीप ही बैठ कर रही है, लंबी लंबी सांसें भरी है, उससे जो फ्यूम्स उठती है और जब घी जलता है गाय के घोड़ी के ऊपर तो उससे जो फ्यूम्स क्रिएट होती है तो उससे फिर वायरल लोड कम हो जाता है। इसका एक किताब मेरे पास है, थोड़ा आपको मैं साथ में आया है, ठीक है, ये किताब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये आपने पुत्र करके ये किताब है और इसने इस किताब में पूरे रिसर्च दिए हुए हैं, ठीक है, अगर आप ये करेंगे तो, ठीक है, अगर आपको ये पसंद है तरीका तो इसी रूप से कर सकते हैं, कोई कंपल्सन नहीं है कि आप करें नहीं करना ही चाहिए। किसी भी बर्तन के दुकान पर ये एक पात्र मिल जाता है, 200-300-500 रुपए का पात्र मिल जाता है, डिपेंड करता है कितना भारी है पात्र, उसके ऊपर उसकी प्राइस डिपेंड करती है, बहुत कठिन नहीं है, आप खुद कर सकते हैं, घर वाले लोग कर सकते हैं, किसी भी रूम में, हॉल में या फिर किचन में या फिर जहां पर आपका भगवान का मंदिर रहता है वहां पर भी आप ये कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी उपाय मैं अल्टरनेट करते रहता हूँ, पता इतना समय नहीं लगता कि एक दिन में ये सब उपाय मैं खुद के लिए करूँ। भगवान ने आज तक मेरे ऊपर मेरे परिवार के ऊपर कृपा रखी है ना, हमने मैंने मेरी जो मिसेज है उसने 3 बार कोरोना टेस्ट किया, उसको कोई इन्फेक्शन नहीं आया, मैंने भी 1 बार कोरोना टेस्ट किया, मुझे भी कोई इन्फेक्शन नहीं आया, हॉस्पिटल में जितने भी कर्मचारी थे भले ही वो कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, लोग बताना मेरा काम रहता है, लेकिन कुछ कर्मचारी नहीं करते हैं, ड्यूटी नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते, ठीक है, फिर भी उनको ये जो इन्फेक्शन है वो नहीं हुआ। मैं मेरे हॉस्पिटल में एक जो मिट्टी का धूप बांध कर रहता है उसमें मैं गाय का गोबर जो है उसको जला कर उसमें नीम की पत्तियां और अभी आपको जो मैंने बताया आई वगैरह रेडमेंट वगैरह तो जलाता हूँ, और मेरा आने के बाद में पूरा जो दवाखाना है वो मैं स्टरलाइज कर लेता हूँ, तो उसके बाद में हम लोग बैठते हैं आराम से पेशेंट निकालते हैं, रोज स्टरलाइजेशन इस ओपन चूर्ण के माध्यम से होता है, आज तक तो कोई खतरा नहीं आया, मैं परम प्रभु परमात्मा से यही आशा रखता हूँ कि उनका व्रत हस्त हमारे ऊपर रहे और हम ऐसे ही स्वस्थ होके जिए और हमारा जो आयुष्य है वो लंबा हो, ठीक है। सबसे बड़ी बात और एक लास्ट बात मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ डरिए मत, ठीक है, वातावरण बाहर बहुत हमें भयानक दिखता है, सब कुछ बंद है, लोगों के व्यवसाय बंद है, इनकम बंद है, किसी किसी के खाने के प्रॉब्लम है, किसी के पैसे खत्म हो गए हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम, बस आप डरिए मत, मानसिक दृष्टिकोण से आप हताश न होइए, अवसादित ना होइए, ठीक है, आप सकारात्मक कब तक रहेंगे, आपके ऊपर हर उपाय लागू रहेगा, जैसे आप नकारात्मक हो जाते हैं बड़े से बड़ा इंजेक्शन और बड़े से बड़ा उपाय काम नहीं करता, इसलिए हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, ये भी दिन निकल जाएंगे और अच्छे दिन निश्चित रूप से आएंगे। इसी वचन के साथ मैं मेरे वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ और जिसे किस किसे भी प्रश्न पूछने हैं वो प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मी ज्योति डोळे बोलत आहे। सर जे तुम्ही आता मार्गदर्शन केलं आहे ते खूपच आहे आणि कोरोना काळात ते खरोखर खूप महत्वाचं आहे आणि विषय असा आहे की आपण जे आपल्या घरात आहे व्यवस्था हे न करता आपण एकदम अद्वितीकडे ओढलो त्याच्यामुळे आजचं जे मार्गदर्शन केलं आहे तर यामध्ये मला एवढंच तुम्हाला सांगायचं होतं की जे तुम्ही मध्ये रामदेव बाबाच्या विषय सांगितलंय की अनुते कोरोनेल की शारी वटी कोरोनेल वटी तर एक मला मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की आताच्या सध्याच्या कंडिशनला मी तशी तर पतंजलीशी जुळलेली बऱ्याच दिवसाची आहे आणि मी आपल्या अमरावती जिल्ह्याची योग प्रचारिका आहे आणि सध्या मी रुची सोयाचं कार्य पतंजली मध्ये करून राहिली आहे, मला त्याचा मानधार वगैरे मिळेल पण सध्याच्या कंडिशनला मला पूर्ण ऑल महाराष्ट्रातले आरोग्य केंद्र देणे
त्यांना लायसन देणे, त्यांना समृद्धी कार्ड मशीन देणे हे माझ्याकडे दायित्व आहे आणि बऱ्याच दिवसापासून दायित्व आहे आणि बऱ्याच ठिकाणी मी आरोग्य केंद्र दिलेलं आहे लायसन्स आहे आणि ते 2.5 लाखाची 3 लाखापर्यंतची प्रोसिजर आहे. पण ज्या तहसीलला आरोग्य केंद्र आहे तिथे मला देता येत नाही आणि त्या तहसीलपासून 5 किलोमीटर जे एखादी कॉलनी आहे, एक उदाहरणार्थ अमरावती आहे आणि 5 किलोमीटर अंतर आहे आरोग्य केंद्राला जिथे आपल्याला घ्यायला तिथे अंतर आहे ते मला देता येते. पण उदाहरणार्थ तहसील सोडून जिल्हा सोडून मला ग्रामीणचं दायित्व आहे तर प्रत्येक गावागावात 3 लाखाचं तिथे ना आपल्याला संख्ये म्हणजे किती संख्या आहे त्याचं घेणं देणं नाही आहे आपल्याला. तिथे जो व्यक्ती आरोग्य केंद्र घ्यायला तयार आहे त्याला 8 ते 3 लाख रुपये खर्च येतो, त्याला समृद्धी कार्ड स्वदेशी समृद्धी कार्ड मशीन 5 लाखाचा पॉलिसी, त्यानंतर जो कस्टमर समृद्धी कार्ड काढत त्याला 100 रुपये काढायचं त्याला 5 लाखाचा पॉलिसी, 10% औषधावर डिस्काउंट आणि 5% आपले जे प्रोडक्ट आहेत ते आवडतो. तर आणि आरोग्य केंद्रवाल्यांना लायसन, त्यांना पतंजलीशी जोडून देणे, त्यांचा माल डिस्ट्रीब्युटरकडून बोलवणे असं माझ्याकडे एक दायित्व आहे. तर आपल्या ग्रामीण मध्ये जे कोणी आपले विद्यार्थी राहत असतील महाराष्ट्रात, जे ग्रामीण मध्ये आपले विद्यार्थी राहत असतील आणि स्वतःचा त्यांना व्यवसाय टाकायचा असेल त्या ग्रामीण मध्ये पतंजलीचे स्टोर आहे पण आरोग्य केंद्र नाही. आरोग्य केंद्र म्हणजे एक मेडिकल झालंय आणि ते कोरोना काळात किराणा दुकान बंद राहत नाही, तसे ते कोरोना काळात बंद राहणार नाही, ते कंटिन्यू चालणार आहे. तर ते मेडिकल झालंय त्यामध्ये तुम्ही महिन्यातून एकदा आयुर्वेदिक डॉक्टर बोलवून ट्रीटमेंट करू शकता आणि त्या पेशंट ट्रीटमेंट करता त्यांच्याकडनं 10-5 रुपये फीस घेऊन ते तुम्ही त्या आरोग्य केंद्रवाल्याला देऊ शकता. माझा प्रश्न हाच आहे की तुम्ही जे कोरोना किट सांगितली आहे ती खरोखर किती उत्तम आहे. आज मी मार्केटमध्ये 2016 पासून तुम्ही काम करत आहे, मार्केटमध्ये जसा 2019 कोरोना आलाय तेव्हापासून मी कोरोना किट आणि सकाळी गुळवेलाचा रस आणि योग प्राणायाम एवढ्यावर मी टोटल दिवसभर मार्केटमध्ये असते आणि 1000 लोकांमध्ये नसते. जसं दर्यापूर अमरावती, तसं अचलपूर, ज्येष्ठ चौक असे जे आहे किराणा दुकान आहे. मॅडम आपल्याला वेळ कमी आहे आणि आपले खूप सारे आहे त्यामुळे तुम्हाला थांबावं. नाही मला ते सांगायचं की कोरोनाबद्दल खूप खूप धन्यवाद, कारण तुम्ही अनुभव शेअर केल्यानंतर बाकीच्या लोकांना त्याचं एक बळ मिळते की नाही यांना फायदा झाला तर आपल्याला. त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद तुम्हाला. तर एक विचारायचं होत. हा विचारायचं. नमस्कार, माझा प्रश्न आहे की तुमचे जे शनिवारचे प्रोसेस, तुम्ही जी पोहोचले आहे सिनेमाची प्रोसेस ऑनलाइन सांगितलेली आहे आणि ती ऑनलाईन म्हणजे या पद्धतीने सांगितलेली आहे की फक्त आठवण आणि ती करू शकू का याच्याबद्दल मला म्हणजे तुमच्याकडून मार्गदर्शन पाहिजे होतं. कारण कसं आहे की काही काही गोष्टीला प्रात्यक्षिक असल्याशिवाय ती गोष्ट करणं म्हणजे एक 6 तास होऊ शकते. तर ही गोष्ट आता तुम्ही ऑनलाईन सांगितली, ऑनलाईन करून आम्ही ते करू शकू का आणि केली तर ते व्यवस्थित होईल का याच्याबद्दल मला विचारायचं आहे तुम्हाला. बरोबर आहे. तर मला प्रश्न लक्षात आलेला आहे, उत्तर देतो तुम्हाला. शक्य झालं तर पुढच्या वेळेला आपण प्रात्यक्षिक याच दाखवून देऊ सिनेमा कसा द्यायचा, कॅथेटर जे आहे ते एनएस मध्ये कशा पद्धतीने इन्सर्ट करायचं याच प्रात्यक्षिक सुद्धा आपण दाखवून देऊ. फक्त काय होते की वेळ आपल्याकडे कमी असते त्याच्यामुळे त्याचे प्रिकॉशन्स जे आहेत सिनेमा कोणी करायला पाहिजे नाही करायला पाहिजे हे सांगायचं राहून गेलो. तर ज्यांना पाईप्स आहे, टीशर आहे, त्यांनी सिनेमा करू नये किंवा काळजीपूर्वक करायला पाहिजे. ज्यांना हार्ट डायबिटीसचा त्रास आहे त्यांना सिनेमा करायला चालतं, परंतु अंडर सुपरविजन तुम्ही घरच्या घरी करू नका, अंडर सुपरविजन करा. आणि प्रोसिजर जी आहे ती जवळपास जे कोणी नॅचरोपॅथिक असतील किंवा आयुर्वेद पंचकर्म थेरपिस्ट असतील तर त्यांच्याकडनं तुम्ही ती प्रोसिजर जाणून घ्या. लगेच सुरुवातीला सिनेमा हा आपला आपण करायला सुरू करू नका. त्यापासून खूप नुकसान तरी होणार नाही, परंतु अपेक्षित जो फायदा व्हायला पाहिजे तो फायदा तुम्हाला होणार नाही.
आणि मग एकदा जर तुला फायदा नाही झाला तर मग आपल्यामध्ये निगेटिव्हिटी येते त्या प्रक्रियेबद्दल आणि आयुष्यभर मग आपण ते कधीच करत नाही. त्यामुळे तुम्ही जर जिथे राहता तिच्या आजूबाजूला जर कोणी नॅचरोपॅथिस्ट आहे किंवा योग थेरपिस्ट आहे किंवा पंचकर्म थेरपिस्ट आहे त्यांच्याकडून तुम्ही एकदा धंदा करून घेऊ शकता. माझ्या परीनं मला जेवढं शक्य झालं तेवढं मी प्रॅक्टिकल मला दाखवण्याचा इथं एक प्रयत्न निश्चितच करेल. माझं इथं अकोल्याला जवाहरनगरला सेंटर आहे तर मी टेबल आहे टेबलवर एखाद्या व्यक्तीला झोपून नेमकं ऍक्च्युअली म्हणजे प्रात्यक्षिक कसं करायचं त्याचं एखादं एक सत्र मी ठेवेल आणि त्याबद्दल मार्गदर्शन. नमस्कार सर, महाजन बोलतोय. त्याच्यामध्ये राई आजबाईन पत्ते वगैरे असं सांगितलेलं आहे वेखंड आणि पाचवा जो मुद्दा होता ते राग म्हटलं राग कधीच राग म्हणजे आपलं ते कुकुळ येतं ते कुकुळ किंवा लोभान ते वापरलं चालेल का? मी वापरू शकता. नवरात्रीला जेव्हा नवरात्री सुरू होते ना नवरात्र सुरू होते तर देवी जोड जे उपर्ण असत त्याच्यावरती राग टाकतात पैसे देवीच्या उपर्णावरती राग राड राड हा राड त्याला हिंदीमध्ये म्हणतात राळ बाय तो पक्ष्यांना खाऊ घालतात राळा का? हा राळ राळ बारीक भगर सारखं मोठा खडा येतो त्याची पावडर तयार करायची. कुकुळ झोपका तो कुकुळच ते पावडर सुगंधित कुकुळ हा वेगळा भाग झाला. कुकुळ हा हा पण वापरू शकता तुम्ही राणीच्या ऐवजी की कुकुळ टाका कुकुळ कुकुळ कशी पावडर मध्ये दुसरी पावडर मध्ये दुसरी पावडर मध्ये जाईल. त्याच्यामध्ये फक्त लोभान आणि कुकुळ टाकला तर चालेल असत आहे का? अच्छा चालेल सर धन्यवाद. प्रिकॉशन्स काय घ्यायचे हे ऍक्च्युअली सांगितलं मी पण परत एकदा मी सांगतो तुम्हाला. ज्यांना तीव्र सर्दी झालेली आहे अशा आधी नेहमी करायची दोन तीन दिवस गेल्यानंतर ती सर्दी थोडी कमी होत राहायची त्यानंतरच नेहमी करायची. नाकाचं कुठलं ऑपरेशन जर झालेलं असेल तर दोन ते तीन महिन्यांपर्यंत नेहमी करायची आणि त्यानंतर डॉक्टरला दाखवूनच नेहमी करता येईल की नाही करता येईल याबद्दलचं मार्गदर्शन आपण घ्यायला पाहिजे. ठीक आहे. नाकामध्ये जर पॉलिप्स झालेले असतील नेझल पॉलिप मोठे मोठे मांसाचे अंकुर तयार होतात तर त्या पेशंटनी सुद्धा मेथी करायची. नाक जर क्षोभ झालेलं असेल नाकामध्ये जर कप जमा झालेला असेल तरी सुद्धा काहींना मेथी करता येते आणि डीएनएस म्हणजे डिव्हिएटेड नेझल सिम्पटम नाकाचा हा नक्की प्रमाणात वाढणे अशा पेशंटला सुद्धा मेथी हे करायला चालते पण मेथी जी आयडियली व्हायला पाहिजे की त्यांना ते जमत नाही ते करता येत नाही कारण एका नागपुरीतून दुसऱ्या नागपुरीत पाणीच जात नाही त्यामुळे तो प्रश्न उद्भवतो. ते या सगळ्या लोकांनी नीती करायची नाहीये. बाकी सर्व नीती करू शकतात. आंघोळीच्या वेळेलाच नीती करून घ्यायची म्हणजे आपलं लक्ष राहण्यानंतर नंतर नीती करणे तरी नीती करून घ्यायची. जवळपास किंवा पाटील सर जे आहेत त्यांच्याकडे नीती पात्र असतील ते तुम्हाला उपलब्ध झाले त्यांच्याकडून घ्या. किंवा तुम्ही जर इतर गावाला राहत असाल तर सर्जिकलला किंवा मेडिकलला जाऊन याची विचारणा करा आणि तरी मिळत नसेल तर माझ्याशी संपर्क करा. काय ना एक दोन पाच दहा पात्र जर लागत असतील तर ते आम्ही बाय पोस्ट कुरिअरने पाठवू. सर मी अर्चना कदम कारंजावरून. हा कदम मॅडम. हा सर खूप उत्कृष्ट मार्गदर्शन केले सर तुम्ही आणि मला हे विचारायचं होतं सर तर मेथी करताना एक पोट असेल तर घरचे दोन व्यक्ती करू शकतील का त्या पोटनी की प्रत्येकांना वेगवेगळे पोट लागेल? नाही सध्या आता कोरोनाचा हा सीझन चालू आहे त्याच्यामुळे ते उकळून घेणं सुद्धा योग्य नाही. प्रत्येकाला सेपरेट सेपरेटच निधी पात्र द्यायला पाहिजे. आणि किती दिवसात केली पाहिजे सर?
शेती जी आहे ही वन डे अल्टरनेट टू डे अल्टरनेट करा. रोज नाही केली तरी चालते, पण दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी मेथी तुम्ही करा. तुमचं जर फिरणं इकडे तिकडे खूप आहे, संक्रमित रुग्ण जर तुमच्या संपर्कात येत आहे, तर दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी तुम्ही मेथी करा, तुम्ही सुरक्षित राहणार. थँक्यू सर. पण गिराकी बोलतोय, मी माहिती दिली सर, तर ती मिळण्याची पॉट माझ्याकडे आता उपलब्ध आहे. तर मी एक वर्षापासून योग शिक्षणचा ऑनलाईन क्लासेस घेत आहे आणि त्याच्यात मी सेम तुम्ही जसं सांगितलं तसं एनी मात्री इतरांकडनं करून घेत असतो. आणि जसं तुम्ही सांगितलं कॅथेटर ट्यूब आहे, तर सेम कॅथेटर ट्यूब माझ्याकडे अवेलेबल आहे. म्हणजे क्लास मध्ये कोणाला पाहिजे असेल एनिमा किट आणि तुम्ही ज्या पद्धतीने सांगितलं जलनेची पॉट, तर ते दोन्ही अवेलेबल आहे. आणि जलनेची क्रिया कशी करायची हे आणि एनिमा क्रिया कशी करायची या दोन्हीचे व्हिडिओ मराठीमध्ये अवेलेबल आहे. आणि जर कोणाला वेट लॉस करायचं आहे तर त्याचा डाएट देखील हिंदी मध्ये माझ्याकडे अवेलेबल आहे. तुम्ही पुढे काय सर पुढे काय मागू शकतो मी डायरेक्ट कुरिअर घेऊ शकतो सर 3 दिवसामध्ये. चालेल ना. सरांकडून ते जवळ पडत असेल किंवा कंपर्ट होत असेल तर तुम्ही सरांकडून तिथे पात्र आणि इमा बॉट जर दाखवून राहिले त्यांच्याकडनंही तुम्ही परचेस करू शकता. निश्चित करा. हा मी पाटील सरांना सर्व माहिती देऊन टाकेन. ग्रुप टाकून देईल. ग्रुप टाकून सर आम्ही नाही ठीक आहे. तुम्ही मी चॅट वर व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे तर तिथं चेक करू शकतो. ओके ओके थँक्यू. आणि सर खरंच खूप छान माहिती दिली तुम्ही. कोरोनाची खरं म्हणजे हीच माहिती आहे सर. तुम्ही जसं सांगितले जलनेती एनिमा क्रिया एक वर्षापासून सगळ्यांना तेच सांगतोय. पण ते कसं आहे स्वतः डॉक्टर सांगतात ना किंवा समोरची व्यक्ती आहे ते त्याच्यावर विश्वास असतो आपला. डॉक्टर पाटील सरांनाही थँक्यू सर. धन्यवाद. तर त्यांनी जलनीती करू नये. पण जर तो व्यक्ती जर जलनीती करते त्याला काही प्रॉब्लेम नाही आहे तर त्यांनी करायला पाहिजे की टोटली बंद करायला पाहिजे. कारण जलनेती करून जर इपिडॅक्सिस म्हणजे नाकातून रक्त येत आहे हे जर वाढत असेल तर एकदा नेती केल्यानंतर आपण थांबलं पाहिजे. आणि जर तुम्हाला रिलीफ वाटत असेल बरं वाटत असेल तर तुम्ही कंटिन्यू करू शकता. पण अशा वेळेला नेती करण्याबद्दल रात्रीला तुपाचे थेंब दोन्ही नाकडी टाकायला पाहिजे. त्याने आपला जो मिकोजा जो असतो नेझल कॅव्हिटी मधला आधी जी लेअर आहे त्याला आपण मिकोजा म्हणतो, तर तो सॉफ्ट होऊन जातो आणि ब्लीडिंग होण्याची टेंडन्सी कमी होते. थँक्यू सर. आपल्या शैली सर इतकी उत्तम आहे की खूप इझिली सगळं समजून जातं. आणखी कोणाला काही प्रश्न विचारायचा असेल तर विचारू शकता. नमस्कार सर. हा नमस्कार सर. बघा सर मी सरांचं जे फेब्रुवारी मध्ये आपलं अधिवेशन होत एक सेशन होत त्याला नीती केली मी आणि त्यानंतर घरी 3-4 वेळा प्रयत्न केला सुव्यवस्थित झाली. पण माझा प्रश्न हा आहे सर की मला कसं आहे की काही जवळपास हिवाळ्याचा जो पिरियड आहे त्या हिवाळ्याच्या पिरियड मध्ये माझं रात्रीच्या वेळेस 1 लाख रुपये बंद असते सकाळी क्लिअर होऊन जाते. तर मला असं रेग्युलर नेती करायला काही प्रॉब्लेम आहे का हा माझा प्रश्न आहे. नाही तुम्ही जेव्हा नेती करता तेव्हा नागपुरीची म्हणजे एका नागपुरीची पाणी जाऊन दुसऱ्या नागपुरीची निघून जाते ना. हो हो सर नेपुळे जाते बरोबर जाते. फक्त रात्रीचे काही पिरियड माझी फक्त एखादी नागपुरी बंद होते सकाळी दोन्ही क्लिअर होऊन जातात.
कुठली लाकडी वाजवते डाबी की उजवी दोन्ही सायमल्टेनियसली कधी अशी फिक्स नाही आहे की राईट किंवा लेफ्ट कधी राईट होते कधी लेफ्ट होते पण ते दिवसा बरोबर क्लिअर होऊन जाते आणि हा प्रॉब्लेम सहसा म्हणजे आता जसं थंडीचा पिरियड संपल्यानंतर आता उन्हाळ्यात क्लिअर होऊन जाते ठीक आहे तर तुम्हाला एक इन्स्ट्रक्शन मी देतो आफ्टर नेहमी एसी केल्यानंतर जर तुम्ही प्रॉपर कपाल लक्ष्मी करत असाल म्हणजे असं समोर बघून आणि उजवीकडे बघून डावीकडे बघून अशी कपाल गती करून माथा थोडस झोपायचा तर काय म्हणती की जी तुम्ही समस्या आता तुम्हाला फेस होत आहे कदाचित ही होणार नाही तर प्रॉपरली एसी झाल्यानंतर जे सायनस असतात इथं फ्रंटल सायनस असतात ठीक आहे तर इथं फ्रंटल सायनस असतात तर त्याच्यामध्ये जे पाणी आहे तर ते पाणी जर पूर्ण व्यवस्थित काढलं तर नाक चोकअप नाही व्हायला ते ठीक आहे एकदा हा प्रयत्न तुम्ही करत असाल तर मग काही हरकत नाही आहे ज्या दिवशी नीती करायची आहे त्या दिवशी अगोदर तुम्ही अमुकेल किंवा तिळाचं तेल चार चार थेंब नागपुरी टाकात दुसऱ्या दिवशी पण नीती करा तुम्हाला वेगळा अनुभव आणि चांगला अनुभव येऊ शकतो करायला पाहिजे ना सर पहिले जलनीतीच्या अगोदर कपाल लाती करायला पण जलनीतीच्या अगोदर कपाल लाती नाही केली तर जलनीती पश्चात कपाल लाती करणं कंपल्सरी आहे जर तुम्ही जलनीतीच्या नंतर कपाल लाती नाही केली तर तुम्हाला तीव्र सर्दी होऊ शकते धन्यवाद मी देतो पाटील सरांना.
आणि पाटील सरांना अनुरोध करतो की एक मिनिट थोडस बोला आणि त्यानंतर मग आपण समापन. हो हो धन्यवाद सर. आपण आपला अमूल्य वेळ आम्हाला दिला, भरपूर वेळ आपण आधी दिला आणि आज जो सेशन होतं त्यामध्ये जो इम्पॉर्टंट विषय होता जसं कोरोना मोठ्या प्रमाणात भारतभर आणि जगभर अशा काळात महामारीवर आपण आपल्या पॅथीबद्दल इन्फॉर्मेशन दिली. योगाला त्याला जोडलं, योगा नॅचरोपॅथी आणि आयुर्वेदा तिने ही पॅथी त्याला सोबत घेतल्या आणि खूप साऱ्या भरपूर लोकांनी त्याचा लाभ घेतला आहे. विद्यार्थी होते, काही सामान्य नागरिकही आम्हाला दिलेले होते आणि सर्वांना म्हणजे तुम्ही एक वेगळ्या कॉन्फिडन्स जे तुमचं गायडन्स होतं ते सर्वांना आवडलं आहे आणि सर्व त्या पद्धतीने मार्गदर्शनानुसार सर्व आरोग्य दृष्टीने कोरोनापासून वाचण्याच्या दृष्टीने सगळे उपाय योजना त्यांच्यासाठी आणि त्यांच्या परिवारासाठी अवलंबणार आहे. धन्यवाद सर. धन्यवाद सर. मार्गदर्शन मला मिळालं आणि इथं आपला हा कार्यक्रम संपवत आहोत. हॅलो. हा मनीषा मॅम बोलतात का? बोला बोला. सरांचा अगदी मनापासून धन्यवाद. आमच्या योग विद्यार्थ्या आमतर्फे मनापासून तर जेव्हा आपण पाहिलं ना आता प्रश्न आतात आणि बोलताना असेल तर ती कोणाला कुठलाही प्रश्नाचं उत्तर देताना कंटाळा करत नाही. मध्ये सर खूप आवडतं आणि सरांनी सांगितलं की हवा की क्रिया गायत्री मंत्र महामृत्यूचे मंत्र हे स्वतः मी घरी करते सर आणि मला याचे चांगले अनुभव होते. मी सांगणार आधी पण म्हटलं सर तर सगळ्यांचं बंद होत नंतर आपण निवांत बोलू म्हटलं म्हणून मी थोडं लेट बोलते समाप्तीच्या वेळेस त्याच्याबद्दल मी क्षमा मागते. नवरात्रमध्ये आपलं देवीचे पाठ चालतात ना सर दुर्गा सप्तशती त्या दिवशी अष्टमी आपला देवीचा पाठ दुर्गा सप्तशती पूर्ण हवन केलं मी पाठातलं तो फ्रेश छान वाट पूर्ण पाठातलं म्हणजे तिलस्तोत्रापासून तर शेवटी क्षमा प्रार्थनापर्यंत आम्ही पूर्ण हवन सहित केलं देवीचा पाठ. त्यात मला पण समजतो मला इतकी एनर्जी आली की पाठ केल्यानंतर आपण म्हणतो ना विज्ञान अध्यात्म याची खरंच सांगड चांगली तर एक वेळेस विज्ञान कामात येणार पण अध्यात्म शक्ती शंभर टक्के कामात येत आणि गायत्री मंत्र हा असा मंत्र आहे की त्याच्यामध्ये न बोलणारा मला सुद्धा बोलायला लागून जातो. माझे हे स्वतःचे अनुभव आहेत सर. मी तुम्हाला सांगतो मला बोलताच यायचं नाही आणि मी बोलताना माझे शब्द तोंडात शिंद राहायचे की काय बोलू समोरच्यासमोर काय बोलू. पण मी जेव्हापासून गायत्रींमध्ये जप करायला लागली मला स्वतः अनुभव घ्यायला की माझ्या माझी थोडी थोडी डेअरिंग येते फक्त या गायत्री मंत्रामुळे. मला हा अनुभव असा शेअर करावा असं वाटलं की तुम्ही सांगितलं हवन करायचं ते करायचं आणि तुम्ही जे जे सांगितलं ते एकदम 100% सगळ्या गोष्टी खरं सांगितल्या सर. मी तर म्हणते की आम्ही खरंच भाग्यवान आहोत की तुमच्या संपर्कात आम्ही आलो आणि तुमच्यासारखे गुरु आम्हाला लाभले. आम्ही सगळं फक्त नरेंद्र गांगुळे सर आणि नंदकिशोर सरांमुळे खरं सांगते काहीतरी आमच्या मनसेचं म्हणजे काहीतरी गुरु पुन्हा आहे सर की तुमचे सर्व सारखे सर आम्हाला लाभले त्यांच्या संपर्कात आम्ही चांगलं चांगले नॉलेज घेत आहोत हे आमचं काहीतरी भाग्य असं किंवा काही गुरु पुण्य असं की आम्हाला सगळं घरी बसणार न पैसे न काही देणी देता सगळं फुकट मिळत आहे. आमच्या सारखे भाग्यवान आम्ही अगदी तुमच्या सगळ्यांच्या मनापासून धन्यवाद. धन्यवाद.